हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह जो भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज होती है वो सारी न्यूज हम लेकर आते हैं। आज देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इतनी न्यूज जो है मुख्य है, और भी न्यूज है जो हमने आगे नहीं सेट किया है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी न्यूज देखेंगे। सभी छात्र होंगे, प्रमोट भेजा गया प्रस्ताव, ये न्यूज भी है आज के न्यूज पेपर में। जल्द ही पकड़ेगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, या यूपीएसआई संबंधित न्यूज जो है, विश्वविद्यालय प्रवेश पर जो है कोरोना का असर है, क्या न्यूज है, इन पर हम लोग बात करेंगे। और डेली मॉर्निंग में आपको जितनी भी न्यूज पेपर में एजुकेशन संबंधित न्यूज होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगी। तो आपको कोई भी न्यूज पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारी न्यूज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं एक एक न्यूज कर। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज की तरफ। सबसे पहली न्यूज जो हम लोगों की है कि विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पर भी असर डाल रहा कोरोना। ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसमें लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई विश्वविद्यालय नहीं शुरू कर सका प्रवेश आवेदन प्रक्रिया। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर शिक्षण संस्थानों में तालाबंदी हो गई है। कुछ कर्मचारियों के साथ सीमित कार्यालय ही खुल रहे हैं, सिर्फ जरूरी काम ही हो रहा है। एक तरफ जहां अचानक हुई बंदी से पढ़ाई परीक्षा और परिणाम प्रभावित हुआ है, वहीं अभी तक राजधानी के कई विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाई है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोरोना ने जो हमारी जिंदगी थी उसको जहां पर थी वहीं पर रोक दिया है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पूरा जो है एकदम ध्वस्त होती जा रही है, और हो क्यों ना, क्योंकि भाई सेफ्टी सबसे पहले जो है जरूरी है सभी लोगों के लिए। तो यहां पर दिया गया कि जो विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पर भी, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। जैसा कि आप सबको पता है, जब जुलाई में सत्र स्टार्ट होते थे तो अब तक जो है अप्रैल माह में या मार्च के लास्ट तक प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन कोई भी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शासन को भेजा छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव, ये भी आज ही के न्यूज़पेपर में है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने व सहयुक्त 170 कॉलेजों के यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन ने विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉलेजों के लगभग 90,000 विद्यार्थी प्रमोट हो जाएंगे। पिछले दिनों कुलपति आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई हेड डीन व कॉलेज प्राचार्यों की बैठक में, जब ये बैठक हुई थी तो आपको पता होगा, तब भी हमने आपको वीडियो बनाया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं यानी यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं इनको प्रमोट करने की बात चल रही है। हालांकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, आगे अगर हालात सही नहीं होते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर के भी बच्चे जो हैं प्रमोट किए जा सकते हैं। ये बात होगी आगे, जैसी भी स्थिति होगी उस हिसाब से यहाँ पर पूरी बात की गई है। ये आप अगर चाहो तो पूरा आप न्यूज इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या न्यूज है इसमें। इसमें जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि जो यूजी और पीजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए। अगर इस पर मोहर लग जाती है तो ये बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, धीरे धीरे कर एक एक यूनिवर्सिटी जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगी। जो यूनिवर्सिटी जो भी न्यूज देगी आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये देखो, बहुत दिनों से जो है हम लोग देख रहे थे एनआरए सीईटी का, आप लोग नाम सुन रहे थे ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की, सभी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा, इस पर भी न्यूज है। लिखा है एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीईटी कराना कठिन। अब यहां पर न्यूज क्या लिखी है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण एसएससी रेलवे बैंकिंग भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन अधर में लटक गया है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे बैंकिंग या एसएससी जो भी परीक्षाएं होती थी उनके लिए एक परीक्षा कही गई थी सीईटी, लेकिन कोरोना के चलते ये जो परीक्षा है वो लटक गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये परीक्षा की डेट जो है संभावित की गई थी सितंबर में, कि सितंबर में इनकी परीक्षाएं जो है करा ली जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएगी। सीधा यहां पर लिखा गया है कि एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीईटी कराना कठिन। ठीक है, ये सारी न्यूज जो है ये आपकी लिखी हुई है तो इनको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा प्रयागराज। एनआरए के गठन के बाद होने वाली सीईटी के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक पत्र व मेरिट लिस्ट सभी कुछ ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसमें किसी तरह के भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। नई एजेंसियों के गठन के बाद परीक्षाओं में होने वाली धांधली रोकी जा सकेगी। अब देखते हैं, वो तो बाद की बात है कितनी धांधली रुकती है। अब यहां पर लिखा अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा से मिलेगी मुक्ति। जैसा कि ये जब सीईटी लॉन्च किए थे लोग, तभी हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी और मैंने ये कहा था कहीं ना कहीं बच्चों का जो बर्डन है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो अभ्यर्थी बार बार परीक्षाएं देते थे, एसएससी की अलग देते हैं, रेलवे की अलग देते हैं, बैंकिंग की अलग देते हैं,
उन परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी जब एनआरए सीईटी करवाएगी। लिखा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के बाद कर्मचारी चयन आयोग रेलवे बैंकिंग और परीक्षाओं के लिए एक संयुक्त परीक्षा कराने के निर्णय से देश भर के 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने से छुटकारा मिल जाएगा। परीक्षार्थियों का खर्च कम होगा क्योंकि वे एक आवेदन से कई विभागों के लिए नौकरी का दावा कर सकेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब मेन न्यूज जो आज की निकली है, इसमें मेन न्यूज ये है कि जिस एनआरए की ये लोग बात कर रहे हैं, अभी इस एनआरए का गठन ही नहीं हो पाया है, और एनआरए का अगर गठन नहीं होगा तो सीईटी का एग्जाम जो है वो लेट हो सकता है। हालांकि पहले इन्होंने बताया था कि सितंबर में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अब ये परीक्षा सितंबर में होती नहीं दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज। यहां पर लिखा हुआ है कि नहीं भेजा खाली पदों का विवरण, फंस गई नियुक्ति। अब यहां पर जो है 69,000 भर्ती के बारे में लिखा गया है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराने की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो फंस गई है। तो यहां पर लिखा गया कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग थी वो फंस गई है क्योंकि इन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा है। आपको पता है 2 काउंसलिंग हो चुकी है, तीसरी काउंसलिंग जो है वो फंसी हुई 69,000 भर्ती की ही। ठीक है, तो ये भी अपडेट आज की थी। आगे देखते हैं क्या अपडेट है हम लोगों के लिए। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। यहां पर लिखा है 9,534 भर्ती, इसमें जो लास्ट डेट है वो 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। आपको मैंने इसके लिए परसों वीडियो भी डाली थी, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी ये है, तो हमने सोचा दोबारा बता देना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये आज के न्यूज़पेपर में भी है, 9,534 पदों की भर्ती के लिए 30 दिन का लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में गति पकड़ेगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। अब यहां पर आप देख लीजिए, अगला लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 180 नियमित और कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया गत पकड़ने वाली है। विश्वविद्यालय के कई विभागों में स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही इनके साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अभी जो है यहां पर भर्ती प्रक्रिया की जो बात की गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा ना, जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट टीचर आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भर्ती होंगे। तो यहां पर इतनी न्यूज है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज यहां पर हम लोगों की हो चुकी है। तो रही बात न्यूज की, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सभी छात्र होंगे प्रमोट। देखो जो यहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय वाले जो बच्चे हैं इनके लिए तो ये बड़ी खबर है, बाकी जो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे बच्चों को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है। और यूपीएसआई संबंधी न्यूज हमने बता दिया कि 30 दिन जो है इनकी डेट बढ़ा दी गई है 30 मई तक, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है। विश्वविद्यालय प्रवेश पर कोरोना का असर, बिल्कुल सही बात है कि जो विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर या कोई भी हो, उसमें जो प्रक्रियाएं होती थी, जो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एडमिशन वाली जो बात है, वो सारी चीजें हैं, उस पर कोरोना का असर पड़ रहा है। तो इतनी न्यूज थी आज के लिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी, और डेली आपको मॉर्निंग में, मॉर्निंग अपडेट में ये सारी न्यूज आपको मिल जाया करेंगी। तो आप लोग कुछ नहीं देखिए, कोई पेपर नहीं देखने की जरूरत है, बाकी पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं तो आपको डेली एजुकेशन संबंधित न्यूज आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।